रिदम को, रिदम हाउ आर यू, गुड टू सी यू, एंड आपका नाम बहुत प्यारा रिदम। तो थैंक यू मैं सो जानना मच। चाहता हूँ कि आपके माँ बाप सुर में थे या रिदम में थे? मैं रोना भी सुर में करती हूँ, नाम गदम रख दिया। थैंक कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ कि आपका लाफ्टर भी सुरीला होगा। यू। तो अनसरिंदा जी कैसी दिख रहे हैं आप, थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, कहाँ से हैं थोड़ा बता दीजिए प्लीज अपने बारे में। मैं यूएस में हूँ, मैं सियाटल में हूँ अभी। अरे वाह, और वहां पे कोरोना जा चुका है बिल्कुल ही? हाँ, सब खुल गया है। नहीं, दिल्ली में भी पूरा खुला हुआ है, कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? सॉरी, क्या कह रहे हो सुनिंदा? दिल्ली में कुछ केसेस तो अभी भी आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे अब, यहाँ पे सब केसेस आ रहे हैं बट हम ले नहीं रहे। हम नहीं ले रहे। आप ये मानो वैक्सीनेशन की जगह वो ऐसे भभूति लगा के कह रहा जाओ, हो गया तुम्हारा वैक्सीनेशन, जाओ। शिप्रा अग्रवाल जी कैसे आप देख रहे हो ऐसे बैठ के? ओ माय गॉड, बिल्कुल साइड एंगल से। बस ये वास्तु के हिसाब से बैठे हैं आप? है ना? अच्छा, मुझे लगा वास्तु के हिसाब से बैठे हैं आप। रिलैक्स मोड में। ये कैसा रिलैक्स मोड है? मैंने तो फोन में एरोप्लेन मोड देखा था। ये किस तरह का मोड लिया आपने ये? बट कोई बात नहीं, शिप्रा जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। जिसने भी आपको बोला है कि आपकी लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है, वही सही है। हर लड़की की एक साइड की प्रोफाइल अच्छी होती है। आपकी शिप्रा जी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है? बिल्कुल है। अरे नहीं, कुछ लोगों की नहीं होती, वैसे पूछा मैंने। अरे नहीं नहीं शिप्रा जी क्या करती है बताइए? I'm a teacher by profession. शिप्रा जी टीचर हैं आप? शिप्रा जी वैसे तो हर लड़की एक टीचर ही होती है। जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, बट आप बहुत प्यारी टीचर है। क्या सिखाती है शिप्रा जी आप लोगों को? I'm a science teacher. बट शिप्रा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप पढ़ रहे थे और जो आज के बच्चों में क्या फर्क दिखता है आपको? मैं ऐसे इन जनरल जानना चाहता हूँ आपसे, आपको जो लगता है डिफरेंस। फर्क तो खैर नहीं है स्टूडेंट्स में यार, इतना तो होता है। अभी ये है कि हम बच्चों के इमोशंस को समझने लगे हैं। उस टाइम पर हमें जो चीजें नहीं समझ आती थी, हमें लगता था, अब हम दोनों साइड पर हो चुके हैं ना, टीचर और स्टूडेंट के दोनों साइड, दोनों तरफ। पर हमारी टीचर भी तो पढ़ी लिखी थी, वो भी तो स्टूडेंट रही होंगी कभी ना कभी। टीचर मैं जरा बच्चों के साथ थोड़ा सा, हाँ, हूँ ना चुलबुली, तो मैं बच्चों के साथ मिलकर के चलती। मेरे अंदर चुलबुली तो उन्होंने आपका फोन में नाम से भी रखा है चुलबुली टीचर। नहीं नहीं, पर शिप्रा जी कैसे होता है, मतलब जैसे चुलबुलापन किस तरह से दिखता है? मतलब वी वांट टू नो, क्योंकि हमारे माँ को तो ये था कि अपना बच्चा समझ के ठोकी है। मतलब बच्चों के साथ आप फ्रेंडली रहो ना, तो नहीं जरूरत पड़ती टीचरों को ऐसे मारने की। मैडम हमारी एक टीचर हमारे साथ फ्रेंडली हुई थी, हमने पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, हमने तो पूछना शुरू कर दिया था। एक डेकोरम मेंटेन करना भी जरूरी है ना, बच्चों को अवॉइड किया जा सकता है। ओह माय गॉड, किसी का सैंपल बोल रहा है। जैसे ही बच्चों को पता लगा टीचर आ गई है, जूम पे टीचर आ गई है, बच्चे ने चिल्लाना शुरू कर दिया, देख रहे हो चुलबुली टीचर। यह आपका आकर्षण ये होता है मैडम, चुलबुली तो आप हो, बच्चा देखो बच्चा बोल भी नहीं रहा था इधर से, अचानक बोल पड़ा। शिप्रा जी यू आर टू गुड यार, टू गुड मैन, टू गुड। एंड शिप्रा जी आप, मैं बस एक और चाहता हूँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूँ कि आप ऐसी लेट के पढ़ाती हैं, बैठती भी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? चले ठीक है, चले आप बहुत ही प्यारी हैं, गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिप्रा जी, प्लीज गिव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, बहुत ही प्यारी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो एक अच्छी बात भी सुन लीजिए कि एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं डिपेंडेंट हूँ दूसरों पर अपने वीडियोस की एडिटिंग और फिल्मिंग के लिए, और कभी कभार इतनी छोटी चीज़ों के लिए कि दिमाग में आता कि मैं खुद क्यों नहीं सीख लेता कुछ स्किल्स।
तो इसके लिए एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जिसका नाम है स्किल शेयर। मैंने उनकी कॉमेडी फिल्म मेकिंग की क्लासेज ज्वाइन की बाय एम्बर एस, और मुझे पता लगा कि मैं कैसे एक स्केच कॉमेडी को डेवलप कर सकता हूँ, उसको विजुअली इम्पैक्टफुल और वो भी एक बजट के अंदर बना सकता हूँ। इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है 2400 रुपीज़ से भी कम, यानी कि 200 रुपये पर मंथ से भी कम। 200 रुपये इतने कम कि अगर दोस्त बोरो कर ले तो आपका मांगने का मन नहीं करता। मैं आपके लिए भी एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ जिससे फर्स्ट 1000 लोग एक मंथ की फ्री ट्रायल क्लासेस अवेल कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं मेरी तरह। अब आगे वीडियो देखिए। ये देखिए अभिषेक शर्मा जी के ग्रुप में चार बंदे, एक अंदर से भी अभी वॉशरूम से निकला है अभी बाहर। और अभिषेक जी उसकी पहचान ये है कि उसने धारी वाले कच्छे पहने हुए थे, धारी वाले कच्छे। मुझे लगा था कि हम कनाडा से आगे निकल चुके हैं और आप अभी भी वहीं बैठे हुए सब लोग आप। और बिल्कुल 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 घरेलू परफॉर्मेंस कि बंदा आया तो उसको तौलिया नहीं मिली तो उसने इससे ही हाथ पहुंच लिया, ऐसे ही हाथ पहुंच लिया ऐसे। तो ये कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तिगत मोमेंट्स अपने तक रखिए। रोहित भाई क्या करते हो, बहुत प्यारे इंसान लग रहे हो आप मुझे ईमानदारी से। रोहित, रोहित का मैं चार पांच नाम लिखूं। रोहित क्या करते हो बताओ फटाफट, क्या करते हो आप? फार्मासिस्ट हूं, बिजनेस है। अरे वाह, पर रोहित कैसे चल रहा है बिजनेस अभी? मिल रही है सारी दवाइयां, मिली काफी हमारे लिए? अच्छा ही था कोविड, फार्मा के लिए बूम ही था। देख रहे हो 3-4 करोड़ का काम करके कैसा बंदा दिख रहा है, समझ रहे हो? रोहित, रोहित ने इतना कमाया कि किराए पे दुकान थी, 4 दुकानें ले ली साइड की। इवन अब तो सोच रहे कि हॉस्पिटल बनाएंगे, रोहित हॉस्पिटल। थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ, बाकी तो आपको पता है चलता रहेगा, थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ी तो चलती रहेगी। बाकी बीच बीच में आपको अनफॉर्चुनेटली जनरली हमारे शो में ग्लैमर रहता है, बट आज के डेट में आपके मुझे वो धारी वाले कच्चा वाला बंदा रहा, अनफॉर्चुनेट है वो। We expect glamour, glamour, but somehow we couldn't serve you, you know, yeah, but it's fine. चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सुरेंद्र जी वहाँ क्या करते हैं, कितने सालों से हैं आप? मेरे को यहाँ 4 साल हो गए हैं, मैं डेवलपमेंट मैनेजर हूँ अमेज़न में। ओके भाई, रेफरल लगवा दो अमेज़न सिएटल में। मैं पहले तुम कर रही हूँ, मुझे भेज दो रेज्यूमे। देखो भेज दो अभिषेक, पर बाकी जो पहले उससे पहले जो धारी बार कच्चे वाले बंदे को उसको हटाओ रूम से। किस 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 मुंह से तुम रेफरेंस मांग रहे हो, किस मुंह से, जो तुमने क्या दिखाया थोड़ी देर पहले ये? बट कोई बात नहीं अभिषेक, भेज देना आपका रिज्यूमे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर, यहाँ पर देखो आप, आपको अगर आपको कौन है पीछे, बीवी आवाज आ रही है किसी के पीछे, कोई एक तो मान नहीं रहा कभी भी, कोई एक तो नहीं मान रहा। कोमल, मैं, मेरे पास पानी की बोतल में एक बार पानी डालूंगा स्क्रीन के ऊपर, तो जिसमें से बुलबुले आएंगे उसकी आवाज आ रही है। पंचर ढूंढ रहा हूं। हाँ, पंचर ढूंढना पड़ता है इसके अंदर, बट ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते धीरे धीरे। जनरली जनरली जेट लैग होता है लोगों को, यहाँ पे लाफ्टर लैग हो रहा है। खुश है बंदा, पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक तो हमारे बीच में बहुत ही प्यारा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सर हंस लिए, कोई दिक्कत तो नहीं? अमित बंसल साहब, ऑल सेट? यस, परफेक्ट। देखो एक टाइम तक ठीक है, उसके बाद इसे माता माता आना कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक आगे बढ़ते हैं। 14 ईयर से कह रहे हैं। अरे नहीं सर, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, भगवान करे आप इस तरह हंसते रहें और आसपास लोगों को माता के दर्शन कराएं। ठीक है, पूछना था कि पीछे की आधी गाड़ी किधर गई? हाँ, पीछे की आधी गाड़ी किधर गई? वो मैंने लोन नहीं दिया था तो उन्होंने ले गए। उसकी EMI दी दी ने तो कह रहे ले जाते हैं लोन, तो ले गए हैं वो। बाकी अच्छा। बाकी बाकी चलाने का मन था तो पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि मैंने घर पे लगा ली दीवार पे। सवाल मेरा ऐसा यही था कि आप इंडिया से बाहर कभी शो करोगे या उसके? जी बिल्कुल, मैंने प्लान किया हुआ है नेपाल, इराक, भूटान, श्रीलंका। ये ऐसी फॉरेन कंट्री जैसे लोग फॉरेन वापस आ जाते हैं।
या अफगानिस्तान ऑल्सो, दुश्मन मेरी कौन है जो बता रही है अफगानिस्तान कौन है मेरी दुश्मन ये? या या रिदम आप कहाँ पे हो? मैं डेनमार्क में हूँ। डेनमार्क तो बस मैंने वो बस एक रजिस्टर पे लिखा हुआ देखा था। मैं एक बार शो लाइव देखना चाहती हूँ, मैंने आज से पहले कभी। दिव्या जी स्टेज पे आपने श्रीदेवी देखी होगी और एक मुझे देखोगे आप। बागा में बोरी ऐसे में नाच, अरे आप आई टेड माय बेस्ट टू एंटरटेन यू। हाँ प्लीज कोई बोला कोई। अरे हाय 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 बोलिए। हाय हाय काहे शर्माए। दिस माय फर्स्ट प्लीज ज़ूम का मतलब ही वॉच्ड यू, माय ब्रदर वॉच्ड यू। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ। ये मेरा कॉमेडी शो का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ज़ूम का, एंड आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि ज़ूम में कैसा होगा, बट आई डिडंट थिंक इतना अच्छा। It was a very great experience. Thank you so much. Thank you. मतलब आपने बात कह दी, मैं मान गया, वरना जो साथ में जो आपके बंदा सो रहा है ना अभी खराटे लेके। ये बंदा लाश बन के लेटा हुआ, लाश बन के हिलने को राजी नहीं है वो बंदा। पूरे शो में ऐसा मुंह बना के बैठा था ऐसे। ऐसा। हाँ हमारी आंखें बंद करके तो उठेगा ही भाई। वो बैठा उठ गया। ये जो तुमने जैबरा क्रॉसिंग वाली टी शर्ट पहने, जैबरा क्रॉसिंग वाली टी शर्ट मैं बता रहा हूँ, जिस तरह तुम लेटे हो ना जैबरा क्रॉसिंग में, मर जो तुम्हारे ऊपर गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है चलिए बाय बाय, गुड नाइट, चलिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।